कुत्तों के पिल्लो सारे खेत गन्ना खराब कर दिया। ये गन्ना किससे पूछ के तोड़ा? तुम्हारे बाप का खेत है साले, रोज तुम्हारी वजह से गन्ना रखाना पड़ लिया। ए गन्ना किससे पूछ के तोड़ा? भाई साहब हम दोनों तो यहाँ पे मेहमान है यार इस गांव में, इनने लाके दिया गन्ना, ये है इस गांव का, ले भैया अपना गन्ना ले। तेरी तो साले आज के बाद खेत में मत बढ़ जाइए, वरना मुझसे बुरा कोई भी ना होगा, ध्यान रखिए इस बात का। तुम्हारे लंडे को मार लिया यार एक एक वाले ने, मेरा बहुत खून खोल दिया फूफा, उसकी गर्दन तो वहीं उतार लेता मैं, लेकिन मैंने सोचा क्या पता कौन हो, जल्दी चलो फूफा, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, खून खोल लिया फूफा मेरा यार, भाई को तमाम मारा उसने फूफा यार, मुंह को देख रहे हो, चलो अभी। तुम एक काम करो दोनों भाई अंदर जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। देख लूंगा? ये कैसे सेक्सी फिल्म चल रही है जो देख लोगे? अबे खून ना खोल लिया तुम्हारा, तुम्हारे लंडे को मारा यार, मेरा कितना खोल लिया, मेरे भाई को मारा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही फूफा, वो तो गया, तुम इजाजत दो मुझे। जाओ तो फिर तुम ही देख लो, अगर तुम इजाजत थोड़ी देर पहले देते ना उसकी गर्दन तुम्हारे हाथ में होती, अब तो मैं अंदर को जा रही हूँ। खैर तू बेटा इधर आ। कसम से बाबा, ना मेरी गलती है ना उस इकबाले की गलती है। बेटे मुझे सब पता है, ना तेरी गलती है ना उस इकबाले की गलती है, गलती इन दोनों सुअरों की है, लेकिन क्या करूं मेहमान है, बर्दाश्त कर यार। बेटे बिस कपड़े कान पे उतरी है आज, अगर अनवर साथ ना होता ना तो वो हम पे फेरता और गन्ना भी हमारे पिछवाड़े में घूंस देता। हाँ यार कह तो सही रहो बाबू भाई, तुम आज बच गए। अच्छा एक बात बता, तू सिगरेट पीता है क्या? अरे यार बाबू भाई तोबा करो यार, सिगरेट और मैं, अबे आज तक तुम हमारे बड़े हो, तुमने ही ना पी तो हम कैसे पी सके। अबे घबरा बे मत, अगर पीता हो तो मेरा भी दिल कर रहा है, आज इस चक्कर में पूछ रही हूँ। अच्छा दिल कर रहा है, ऐसे तो पीता रहूं बाबू भाई। फंस गया मुझे लाके दिए, चल सिगरेट पियेंगे भाड़ू, 100 रुपए लाके दिए फटाफट। कहा था ना मैंने शैतान की भी अब्बा, इससे बढ़िया अगर मना कर देते ना घर पे ना आते वो। अरे तू पागल है, कौन है भाई? उधर से फोन आया कि फूफा हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, उनके फूफा का घर है ये, मैं कैसे मना कर दूं? तुम तो कुछ भी करते, आने ना देते घर पे। हाँ मम्मी सही कह रही हो तुम, मेरी तो कोई गलती भी ना थी, मैं मना कर रहा हूँ उन दोनों से कि मत तोड़ो गन्ना मत तोड़ो, लेकिन जबरदस्ती उन्होंने गन्ना तोड़ लिया और मुझे इतना मारा उनने एक वाले ने। इन्हें समझा तू इन्हें? अबे चुपो तुम दोनों, मेरी खुद नाक में दम कर दिया उन दोनों ने, अगर मैं उन्हें ऐसे भगाता हूँ घर से तो साले साहब की नजर में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, ये बताओ तुम दोनों यार। अब तुम बर्दाश्त करो दोनों, एक आध दिन की बात है फिर वो चले जाएंगे, चल तू सोने जा, चल तू भी जा। ओहो अनवर भैया साइकिल जम रहा है, साइकिल पे बैठा हुआ तो मजा आ रहा है ना साइकिल पे, किसी दिन हमारे लोले पे भी बैठ, इससे ज्यादा मजा आएगा। कम बोलने कर कम, साइकिल मस्त है तेरी जो बात। अबे साले चोंच निकली पड़ी है इस पे बैठ के आया, अंदर करके लाया आगे से गद्दी को पूरी फाड़ दी बाबले, ला टेस्ट ड्राइव दे जरा साइकिल। बैठा साइकिल छोड़, साइकिल ना तेरी अपनी। कहूँ फूफा से अभी? अबे पागल है क्या फूफा से कहूँ, ये भी तो भाई है अपना, ये मना थोड़ी कर देगा। अबे भैया नहीं करवा लूंगा, गद्दी फटी पड़ी है, ब्रेक टूटा पड़ा, कलर कैसा हो रहा, पूरी नहीं करवा लूंगा मेरे दोस्त। हैं सच में? हाँ तो ले जाओ। अबे तेरा बड़ा भाई हूँ यार, इतना तो कर ही सकूँ, आ जा भाई। साले बाबले दोनों के दोनों, साइकिल मेरी नहीं होगी, पैसे इनके लगाएंगे। क्या दिखा रहा हो यार भाई साहब, 500 रुपए नई साइकिल है अभी, कम से कम 1000 रुपए तो दो। और कल ही लाया दिखा है नई साइकिल, पूरी गद्दी बद्दी फटी पड़ी है, 500 रुपए से ज्यादा ना दूंगा भैया। ना 500 की ना बेच रहे यार, 500 से बढ़िया तो हमारी साइकिल ही है, रखो भैया। चल अच्छा 600 दे दे ना, तेरी ना मेरी ना दूंगा भैया। अबे यार ये नाटक मत कर, 600 दे दे ना, तेरी अम्मी की कसम है तुझे। अबे
अरे अम्मा तू ही देख ली, तू भी चली गई। अब क्या होगा मेरा? क्या हो गया भाई साहब? मौत हो गई अंदर। अरे अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एक्टिंग तो ढंग से कर लग रहे हैं यार। अब देख मुझे देख। बहुत ही बढ़िया आदमी थे भाई साहब, बहुत बढ़िया। ये अम्मा थी इनकी। हेलो भाई साहब, मैं कह रही था खाने में क्या करवाया? छोले पूरी। छोले पूरी तो भाई साहब खाता ही ना हूँ मैं, मेरे लिए तो बिरयानी करवा दियो यार भाई। और मेरे लिए चिकन का कोरमा। और रोटी कौन सी खाओगा वो तो बता दे भाई को। मेरे लिए तो रुमाली वाली ले लियो। 8 रोटी रुमाली ले लियो भाई साहब, और 2 तंदूरी में खा लूंगा रोटी। जल्दी करवा दियो, बहुत अच्छी औरत थी यार ये, बहुत अच्छी औरत थी। क्या बदतमीजी है, जाहिली है क्या? काई की बदतमीजी, आर्या तो कर दिया, तुम्हारे तो बस की ना, तो तुम्हें बदतमीजी तो लगेगी। ओहो मुझे हल्के में ले लिया है, अब तू देख बाबू का आतंक। हाँ जी क्या हुआ? पहले बताओ तुम्हारे घर जो मेहमान आए वो कौन है? क्यों क्या हुआ, मेरे साले के बेटे हैं वो। उन्हें कुत्ते के बच्चों को इतनी तमीज ना सिखाई, वो किसी के यहाँ मौत मगाए, दांत फाड़ रहे हैं, पाद मार रहे हैं। अरे चलो छोड़ो, बच्चे हैं वो। बच्चे बच्चे कुछ ना, वो है जाहिल, आपकी इज्जत करता हूँ इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहा उनसे। और एक बात सुनो, आइंदा से ऐसा कुछ करा तो तुम्हारा मुंह कूटूंगा। चलिए हम उनकी तरफ से गलती मानते हैं, मैं उन्हें डांटूंगा, आप घर जाए। चले जाओ, 700 रुपए दो यहाँ को। 700 रुपए किस बात के? इतनी कस के पाद मारा उसने, अम्मा का कफन उड़ गया इस बात के। ये लो, ये दोनों जब से आए मेरी नाक में दम कर दिया इन्होंने। फूफा कहाँ हो? फूफा 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 बाहर घोड़े पे बैठ के आ गए बदमाश। फूफा अनबर की साइकिल लेके गया हमें टहलाने के लिए, छीन के भाग गए। फूफा ये लंबी बंदूक थी फूफा, इसके तो गोली भी मार दी, छू के निकली है। क्या करूं, मुझे घबराहट हो रही है बहुत फूफा, क्या करूं? अबे चुप, साइकिल चली गई जान दे, और खरीद लूंगा मैं। पहले तुम ये बताओ सुबह मैयत में कहाँ गए थे? मैयत में? हम तो किसी मैयत में ना गए यार फूफा। झूठ बोल लिया है, सच सच बता। अच्छा वहाँ की बात कर रहे हैं ये, पीछे वाले मोहल्ले की, वहाँ की? वहाँ तो गए थे फूफा, वो तो 2-4 आदमी खींच के ले गए हमें, कि यार मैयत है जरा भीड़ भाड़ होनी चाहिए, इस वजह से चले गए। बस फूफा यही बात है, वरना हम क्यों जाएंगे, हमें बड़ी जरूरत। अबे तो चलो चले भी गए थे, कोई बात ना, वह जाके जाहिल पन तो ना करते तुम्हारी।